जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूएचक्यू आर्मी भर्ती में। दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें आर्मी एग्जाम एवं भर्ती को कराने की बात कही जा रही है। आर्मी एग्जाम मई में कराने की बात कही जा रही है, तो यह क्या ट्वीट सच रहने वाला है? दोस्तों इस ट्वीट की सारी जानकारी हम सच है या फेक है क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया में कई चैनलों में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों इस ट्वीट की सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। दोस्तों उससे पहले भी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल यूएचक्यू आर्मी भर्ती से जुड़े नहीं हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएचक्यू आर्मी भर्ती से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल में रैली भर्ती, रिलेशन भर्ती, एग्जाम से रिलेटेड सारी एवं कन्फर्म जानकारियाँ बताई जाती हैं। दोस्तों और दोस्तों ये जो ऊपर वीडियो देख रहा है, आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। एआरओ जबलपुर रीवा में सैनिक रैली भर्ती को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है दोस्तों। और दोस्तों ये जो भर्ती है, मानसून सत्र ख़त्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर में ये भर्ती जल्द ही कराई जाएगी। रीवा के सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पीआरओ जनसंपर्क में ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली है और हमने जानकारी भी ली है दोस्तों। इस को बैठक दोस्तों ये परसों बैठक हुई थी दोस्तों, इसमें भर्ती को लेकर सारी जानकारियाँ क्लियर की गई हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं मैसेज की, क्या चार्ट वायरल हो रहा है, सच है क्या झूठ। तो रक्षा मंत्री जी द्वारा ट्वीट किए गए में क्या जानकारी मिली है, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, आर्मी रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट इन मई, लास्ट वीक एंड आर्मी एग्जाम कंडक्ट आल्सो इन मई, ऑल एआरओ एंड आर्मी सेंटर रेडी फॉर रिक्वायरमेंट 2022 वी विल कंडक्ट सून। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है स्पष्ट तौर से कि आपका जो आर्मी एग्जाम है लास्ट मई के लास्ट महीने, लास्ट वीक में कराए जाने की बात की जा रही है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ट्वीट किया गया दोस्तों। दोस्तों ये जो मैसेज है पूरी तरह से फेक है, क्योंकि मैंने इसकी पुष्टि की है, मैंने उनके ट्विटर अकाउंट पर जाके पूरा चेक किया है। ऐसा कोई भी मैसेज रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के ट्विटर अकाउंट में ऐसा कोई भी मैसेज नहीं किया गया दोस्तों। ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कुछ सोशल मीडिया द्वारा, यूट्यूब चैनलों द्वारा। दोस्तों ये मैसेज पूरी तरह से गलत है, ये मैसेज अभी का नहीं है दोस्तों। तो ये जो जानकारी है पूरी तरह से फेक है। ये जो रीवा में भर्ती को लेकर जानकारी निकल के आ रही है वो पूरी तरह से सच है दोस्तों इस जानकारी की हमने पूरी तरह से पुष्टि भी की है। और रीवा की जो आधिकारिक वेबसाइट है पीआरओ जनसंपर्क, इसमें ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। आप जाके बेकायदे पीआरओ जनसंपर्क रीवा की आधिकारिक वेबसाइट ट्विटर हैंडल में आप जाके चेक कर सकते हैं कि रीवा में आयोजित होगी आर्मी रैली भर्ती। कलेक्टर मनोज पुष्प ने रैली भर्ती के आयोजन के संबंध में तैयारियों की प्राथमिक समीक्षा की है। कलेक्टर द्वारा आर्मी रैली भर्ती को लेकर एनसीओ भी जारी कर दी गई है, तो उससे बड़ी बात रहने वाली है। कलेक्टर ने बैठक में कहा है कि रैली भर्ती इस क्षेत्र के युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर रहने वाला दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल से भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल में सही एवं कंफर्म जानकारी दी जाती है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।